तो आज हम सिर्फ इनसे गियर का टेस्ट लेने वाले हैं कि आखिर ये क्या सीखे। तो पहले आप ये बता दीजिए, अभी आप कौन सा गियर में हैं? दो गियर में स्पीड क्या होता है? 15 से 30। अब हम सब गियर के बारे में पहले पूछ लेते हैं, फिर गियर भी इनका चेंज करके हम देखेंगे कि सही कितना है गलत कितना है। तो पहले ये बताइए, एक गियर में आप कितना स्पीड चलेंगे? 0 से 15। आगे देखिएगा क्योंकि चालू रोड है, गाड़ी वगैरह सब कुछ क्रॉस कर रहा है। दो गियर में 15 से 30। तीन गियर में कितना स्पीड रहेगा? 30 से 45। चार गियर में 45 से 60। और पांच गियर में 60। आगे देखिएगा, ठीक है? ठीक है, अगर हमारा स्पीड 40 है तो कौन सा गियर रहेगा? तीन गियर। अगर हमारा स्पीड 15 है, मान लीजिए हमारा स्पीड 20 है, तो कितना गियर रहेगा? दो गियर रहेगा। अभी कितना गियर में है? अभी गाड़ी देख लिए, पीछे कोई नहीं ना है, यहाँ पे गाड़ी को आप रोकिए। रोकेंगे कैसे? आराम से रोकिए, फिर हम इनका गियर देखेंगे। रोकिए, पहले रोक दीजिए क्लच लेके ब्रेक, ठीक है? अब आप जो है गियर बदल के दिखाइए, क्लच दबाए रहिएगा, है ना? न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल हो गया। एक गियर लगाइए, दो गियर लगाइए एकदम बिना, दो गियर, तीन गियर लगाइए ऊपर जाके, हाँ तीन गियर, चार गियर लगाइए, पांच गियर लगाइए, है ना? ये पांच गियर हो गया, बीच में न्यूट्रल करिए, न्यूट्रल हो गया। अब गाड़ी को एक कितना गियर में बढ़ाना है? चलिए एक गियर जल्दी लगाइए, देख सकते हैं गाड़ी अभी रुका हुआ है। अब गाड़ी को आराम से बढ़ाइए, क्लच कैसे छोड़ना है, हाँ धीरे धीरे, बहुत अच्छा। सब लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, इनका हम जो सिखाए हैं आखिर वो सीखे या नहीं। अभी तो ये, अब हम चला करके गियर इनसे चेंज करवाएंगे। एक गियर में कितना गए? 0 से 15। फिर दो गियर लगाइए, क्लच दबा के, है ना, थोड़ा ढंग से, है ना, आराम से क्लच को धीरे से छोड़ना है, थोड़ा फास्ट छोड़े हैं, ठीक है? अब थर्ड गियर लगाइए, क्लच दबाइए आराम से ऊपर जाके बीच में, फिर थर्ड गियर, बहुत अच्छा, थर्ड गियर लगाएं, है ना, क्लच छोड़ के। थर्ड गियर में कितना स्पीड? थर्ड गियर में 30 से 45। चलिए 45 तक कवर करिए, है ना, जाइए स्पीड 45 तक, है ना, 45 स्पीड, जैसे कि देख सकते हैं कि चला गया इनका, है ना। अब स्लो रही, अब लगाइए आगे गियर लगाइए, क्लच दबा के चौथा गियर लगाइए, चौथा गियर हो गया। चौथा गियर में कितना चलेंगे? 45 से 60। हाँ, थोड़ा हैंडल पे ध्यान देना है, थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, आराम से सीधा रखिए, हाँ चलिए। कितना चलेंगे चार गियर में? 45 से 60। आप लोग याद रखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नए ड्राइवर ही हमारे चैनल पे रहते हैं, स्लो रहिए, भगाना नहीं है, स्लो। 60 चल गए ना, देख सकते हैं कि 60 का स्पीड चले गए। अब कितना गियर लगाना चाहिए आपको? 5 गियर लगाइए, देख सकते हैं क्लच दबाए ऊपर जाके पूरा दाहिने, ये 5 गियर लग गया, बहुत अच्छा। 5 गियर में कितना चलेगा? 60 से ऊपर। तो नए ड्राइवर थोड़ा 5 गियर का कम यूज करिएगा, क्योंकि 60 से ऊपर गाड़ी भागता है, तो वो आप चौथा गियर ही कर लीजिए, चौथा गियर लगा लीजिए आराम से। आगे स्टीयरिंग भी देखना है थोड़ा सा, है ना। चलिए तीसरा गियर लगाइए तो बीच में ला करके तीसरा गियर लग चुका है। मतलब बोले तो गियर चेंजिंग में इनका बात करें तो लगभग जो है, ज़्यादा तो नहीं, लगभग बोले तो 60-70% इनका क्लीननेस आया है गियर में, है ना, 60% मानेंगे। अभी 40% और इम्प्रूवमेंट आएगा, तब ये गियर चेंज करना सही से शायद कैप्चर कर पाएंगे और चला पाएंगे। अभी ठीक चला रहे हैं, देख सकते हैं ड्राइविंग कर रहे हैं बिजी रोड में, ऐसा नहीं कि पूरा रोड साइलेंट है, देख सकते हैं पीछे भी गाड़ी, वो गाड़ी अभी क्रॉस करेगी, आप जैसे कि देख सकते हैं। भले ये नाइट का टाइम है, क्योंकि थोड़ा रोड खाली होता है और इस टाइम ड्राइविंग सिखाने में थोड़ा वेस्ट होता है, है ना, एकदम उस लोग को, है ना, चलते रहिए, ठीक है, चलते रहिए, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके ठीक है, बाय।